एंड विल ट्राई टू कवर फ्यू थिंग्स. दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू योर पॉलिटी. पहला लेक्चर है हमारे यहाँ पे, और इसके अंदर हम आज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से शुरू करेंगे चीज़ों को. एंड विल ट्राई टू कवर अप ऑल दोज थिंग्स विच आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. वो सारी चीज़ें जो है जिस डायमेंशन में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आपको आज पता लग जाएगी. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट हेयर, लेट्स डू द टेस्टिंग पार्ट हेयर so that we can have the swift session. Okay, fine, great. चलिए, so people are live here, let's start the session. चलिए, so this is what we have for you. और जैसा मैंने बताया कि आज का हमारा जो theme है, basically हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को यहाँ से शुरू करने वाले हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, ऑल दोज थिंग्स वी विल बी लुकिंग इनटू. सो लेट्स स्टार्ट इट हियर. एंड दिस बेसिकली वी विल बी लुकिंग इनटू दीज पर्टिकुलर डायमेंशंस: इंट्रोडक्शन, मेकिंग ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड देन वी हैव अ वंडरफुल, यू कैन से, थिंग कॉल्ड रिविजन कार्ड, जिसके थ्रू जो है आप बड़े स्विफ्ट तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं और काफी फास्ट और टाइम इफेक्टिव वे में आपका प्रिपरेशन यहां पर हो जाएगा. सो चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट हेयर. सीधा वहां से शुरू करते हैं. चलिए, सो देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ब्रिटिशर्स, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है. कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स यहां पे कानून का सिस्टम लेके आए थे कि लॉ बना के, कानून बना के आप जो है गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड वी हैव टू गिव सम क्रेडिट टू देम. हालांकि वो हमें लूटने के लिए ही आए थे, इंडिया की वेल्थ को प्लंडर करने की ही, के लिए ही आए थे, बट स्टिल विद द लीगल सिस्टम दे केम हेयर एंड दे एस्टेब्लिश्ड सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस. थोड़ा बहुत उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया था. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आइडिया कि किन प्रोविजन्स के साथ ब्रिटिशर्स ने यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि यह जो कॉम्पोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे. यू विल फाइंड इट आउट कि कैसे यूपीएससी इस पर रेगुलरली क्वेश्चन कर रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन आप इसको देख सकते हैं आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर की हेयर. तो आप इसके अंदर देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमने 1946 में बनाई थी, बट बिफोर दैट एज वेल देर हैड बीन फ्यू डेवलपमेंट्स कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का थोड़ा बहुत झलक आ चुकी थी. तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी दे ऑब्टेन्ड द दीवानी राइट्स. दीवानी राइट्स वर रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, नॉट ओनली दैट बिहार एंड ओडिशा. ये दीवानी राइट्स ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे और वहीं से ही आप ये मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का सिस्टम स्टार्ट होता है. तो मेजर एक्ट जो पहला आता है, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773. व्हाट हैड बीन द प्रोविजंस, तो यहां पे बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर रेगुलेशन. उससे पहले वो ट्रेड करने के लिए यहां पे आए थे, एक कंपनी की तरह काम करती थी, अपने हिसाब से चलते थे. एंड देन वी हैड दिस सिस्टम विच लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो उससे पहले हमारे यहां पे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं देखने को मिलती थी. यहां पे आप मान के चल सकते हैं कि वो स्टेपिंग स्टोन्स थे जिसके थ्रू ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर बनाया गया. सो दिस वॉज योर रेगुलेटिंग एक्ट 1773. नाउ जो स्ट्रक्चर्स यहां पे क्रिएट किए गए थे, वी हैड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और मेजरली दे यूज टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. और उस टाइम पे आप देख सकते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ही यूज टू बी द गवर्नर जनरल, और यहां पे गवर्नर जनरल जो है उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, एंड इट यूज टू हैव गवर्नर जनरल प्लस फोर अदर एडिशनल मेंबर्स. अब देखो यहां पे एक एडिशनल चीज हुई जिसके अंदर हम देखेंगे कि गवर्नर ऑफ, यू कैन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नाउ
वो हेड करते थे, वो ऊपर रखे गए किन से? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास से. सो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास दे वर इन सबोर्डिनेशन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. दिस इज वन पॉइंट जो आपको याद रखना है. अब इसके अंदर आप आगे देखिए, देर आर सम मिसलेनियस कॉम्पोनेंट्स, मिसलेनियस डेवलपमेंट्स लाइक एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट प्लस इट एस्टेब्लिशेज द सुप्रीम कोर्ट हियर. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस इजिलिया एम्फे, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एट दैट पर्टिकुलर टाइम. और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चार जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस प्लस थ्री अदर जजेस. सो दिस वॉज द कंपोजिशन ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अब इसके अंदर द नेक्स्ट प्रोविजन दैट केम, इट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट 1784. क्या प्रोविजन थे? देखिए, अभी तक जो कंपनी यहां पे काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही थी. नाउ दिस वॉज योर पिट्स इंडिया एक्ट विच डिस्टिंग्विश्ड द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी. अलग अलग किए गए. और उस टाइम पे देखिए जो पिट नाम आया है, द नेम केम फ्रॉम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. जैसे मैंने बताया कि डिस्टिंग्विश किए गए थे कंपनी के अलग अलग काम, कि भाई देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल बी देयर विच विल लुक इनटू द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग. देन वी हैड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगी उस टाइम पे, ऑल दोज थिंग्स विल बी एड्रेस्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल. तो किस राजा को किसके साथ लड़ाना है, किस राजा को सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, कहां पे ब्रिटिश आर्मी भेजनी है, कहां पे नहीं भेजनी है, ऑल दोज थिंग्स वर हैंडल्ड बाय दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल. एंड देन वी हैड गवर्नर जनरल. अब देखिए जब ये डेवलपमेंट आती हैं, उस टाइम पे भी जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ही वॉज देयर इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन. अब आप आगे देखिए यहां पे, तो ये हम देख चुके हैं कि कैसे जो है सबोर्डिनेशन का काम यहां पे हुआ था. अच्छा, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स. और कंपनी अफेयर्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट नाउ हैड अ मेजर से. ऑल दीज वर द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू योर पिट्स इंडिया एक्ट. देन अब बात यहां पे खत्म नहीं हुई थी, बीच में देर वर सम अदर यू कैन से डेवलपमेंट्स. और एक कोड आता है, कॉर्नवॉलिस कोड, so which is not mentioned in this particular the revision card that we have shared with you. aap uske andar wo add kar sakte hain. so cornwallis code, what it was about, cornwallis code established permanent settlement system. not only that, kafi administrative reforms bhi wahan pe kiye gaye the. us time pe jo collector sahab hua karte the, now at that time collector used to do some judicial functions as well. So it was Cornwallis code which separated the judicial and the executive task that is performed by the collector at that particular time. ab aap dekhiye yahan pe चीज बहुत पुरानी है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसका प्रोविजन दे रखा है. तो आपके यहां पे डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एक तरीके से वो उसी थॉट प्रोसेस पे इंक्लाइंड है. बिफोर दिस पर्टिकुलर कॉर्नवॉलिस कोड, द प्रोविजन वॉज लाइक दिस, दैट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एट दैट टाइम यूज टू परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शंस एज वेल. तो कॉर्नवॉलिस कोड ने उसे सेपरेट किया था. वो एक एडिशनल पॉइंट आपको यहां पर याद रखना होगा. ठीक है जी. नॉट ओनली दैट, बिफोर कॉर्नवॉलिस कोड रेवेन्यू कोर्ट अलग हुआ करती थी, सिविल कोर्ट अलग हुआ करती थी. ही रिमूव्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के बीच का डिस्टिंक्शन भी कॉर्नवॉलिस कोड ने खत्म किया था. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नोट इट डाउन. तो ये आप नोट डाउन करेंगे. इस पर्टिकुलर यू कैन से रिवीजन कार्ड के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें इसके अंदर और भी एडिशंस करने हैं, तो वो आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे. देन वी टॉक अबाउट चार्टर्स एक्ट हियर. ओके, तो सीधा चार्टर एक्ट पे बात करते हैं. अब देखिए, दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी में ये बहुत बार रिपीट हुआ है. अभी हम कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ के साथ देख लेंगे. जैसे ही ये आपका रिवीजन कार्ड खत्म होता है, वी विल डू सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. और आप देखिएगा कि कितनी बार, दो बार तो ये सवाल आया है और काफी अच्छे से आप इसको आंसर भी कर पाएंगे. तो वट वॉज दिस चार्टर एक्ट अबाउट? नाउ 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी.
कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। मोनोपोली करने का मतलब यह है कि उस टाइम पे इंडिया के साथ जो ट्रेड होगा हुआ करता था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी, उनके पास ही ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे। अब वो मोनोपोली खत्म करनी थी, दे वांटेड मोर प्लेयर्स टू कम, कंपटीशन हो अच्छे से, एक पार्टी की, एक पर्टिकुलर टीम की, एक पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली वो नुकसान कर रही थी, कंपटीशन होगा, ब्रिटिशर्स और रेवेन्यू जनरेट करेंगे टैक्स लगा के, दिस वाज देयर थॉट प्रोसेस। देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग एज दे एंडेड द मोनोपोली, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेड विद चाइना रिलेटेड टू टी, चाय के ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना ओपीएम ट्रेड हुआ करता था, इन दो कंपोनेंट में कंपनी के पास अभी भी मोनोपोली थी। सो एक्सेप्ट फ्रॉम दीज टू डोमेन्स, ऑल अदर डोमेन्स में आप मान सकते हैं कि कंपनी ने, कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। दैट वॉज द थिंग हियर। ओके, अब एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो वहां पे गवर्नर जनरल थे, ही वॉज लॉर्ड हॉस्टिंग्स। ओके, ये अलग है, ये वॉरन हेस्टिंग्स थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, तो आपको थोड़ा इनके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। सो दिस वॉज द मेजर पॉइंट। नाउ व्हाट आर द एडिशनल थिंग्स, तो देखिए देयर इज वन पॉइंट मेंशन हियर व्हिच सेज दैट 1 lakh वॉज ईयर मार्क्ड फॉर द एजुकेशन, 1 lakh रुपए स्पेशल उस समय पे एजुकेशन के लिए इन्होंने अलग से रखे थे, ठीक है। तो हमने 3 कॉम्पोनेंट्स कवर किए हैं यहां पे, 3 डिफरेंट लॉज को कवर किया है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि दिस प्रोविजन हैज बीन इंपॉर्टेंट, तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए यहां पे। ओके, सो वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो नीचे जो है सवाल इसके ऊपर आए हैं, देखिए प्लीज अटेम्प्ट दिस, क्वेश्चन नंबर 4th and 5th वी विल अटेम्प्ट, इट वॉज प्राइमरली रिलेटेड टू योर चार्टर एक्ट 1813। ओके, इससे रिलेटेड है। सो इट सेज दैट, ये प्रीलिम्स 2019 का सवाल है आपके सामने, जो ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अब देखिए देयर वॉज वन एडिशन थिंग दैट आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल यू, अब वो एडिशनल पॉइंट आपको अपने कार्ड के अंदर नोट डाउन करना था, दैट वॉज रिलेटेड टू दैट चार्टर एक्ट 1813, इट एसर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज। सोवरेनिटी करवाने का मतलब क्या है कि अब जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद से जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी कहलाई जाएगी। दैट वॉज द पॉइंट। ओके, सो इट एसर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट एंड इट इज एब्सोल्यूटली राइट। सो ये 2 स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस एंड यू कैन से द राइट आंसर टू दिस विल बी 1 and 2। अब आप आगे देखिए, सो दिस वॉज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रीलिम्स 2018 का सवाल है, विच इज टॉकिंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सो जैसा मैंने आपको भी बताया था भाई, 1 lakh rupees जो है अलग से, 1 lakh rupees उस समय के, 1 lakh rupees उस समय के अलग से वहां पे उन्होंने सेपरेटली रखे थे कि भी इंडिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ाना है। सो दिस इज हाउ इट इज, तो दैट प्रोविजन वॉज देयर इन चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। वन थिंग जो आपको पता लग गई, देन जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, नाउ दिस कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो राइट हियर। और ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी जो है वो इंग्लिश एजुकेशन के लिए, इसके स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ओके, सो थर्ड इज गोइंग टू बी रॉन्ग एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट वन। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है किस तरीके से क्या क्या सवाल, क्या क्या चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। एज इट इज आप अपने रिविजन कार्ड के थ्रू उनको कवर अप करेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे साथ के साथ और अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं, वापस रिविजन कार्ड पे चलेंगे। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपके यहां पे चार्टर एक्ट आ जाता है और 1813 के अंदर ये प्रोविजन थे। नाउ देयर आर अदर यू कैन से प्रोविजंस। अब देखिए एक और चार्टर एक्ट आता है 1833 के अंदर, हर 20 साल बाद आने हैं, देखिए इसके अंदर
इट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन. कैसे सेंट्रलाइज हुई उन चीजों को भी देखेंगे थोड़ा. अब देखिए, इट रिन्यूड द चार्टर एंड इट कंप्लीटली यू कैन से एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑल द डायमेंशंस. बात पूरी की पूरी खत्म कर दी इन्होंने. ओके, देयर आर फर्दर डेवलपमेंट्स की. उसके बाद एक चीज डेवलपमेंट में ये आई कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, दे वर नाउ डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो आप देखेंगे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, नाउ ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. क्लियर है? That was the thing here. Then law member were added to the Governor General Executive Council. Law member bhi add kiya gaya. Theek hai ji. There was this first law commission under Macaulay. It was established. So this was the development. Ab baat sirf itni nahi thi. There were other things. Aap dekhenge. Maine yahan pe ek point yahan pe likha tha ki centralization. Centralization aise ki गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया गया था. और आप ये देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो दे वर मेकिंग legislations for Bombay and Madras. That's why we put up the term centralization. वहां पे वो centralize हो जाती है. तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है जी. अच्छा, then we had this arrangement. British, they could come and they can settle in India. Okay, it was for the first time recommended appointment of Indians to civil services. लेकिन paper India में करवाने का provision नहीं दिया था इन्होंने. इन्होंने recommend किया कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को आप अलाउ करेंगे. पहली बात ये रिकमेंडेशन थी, लागू नहीं करवाई गई थी. ठीक है, वन थिंग. अदर पार्ट वाज दिस कि पेपर जाके होगा इंग्लैंड के अंदर. इंडिया में उस टाइम पे पेपर का कोई प्रोविजन नहीं था. सो वी गॉट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. ठीक है जी. अच्छा, अब डायरेक्टली सीधा जो है, हम यहां से आप इस सवाल को देखेंगे तो अभी अभी देख सकते हैं आप. Which one of the following act was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? ये 2023 prelims का ही सवाल है. तो बहुत ही doable सी चीज है, अगर वो right information आपके पास आ जाती है तो. So we had this arrangement, easily you can answer it now. आपके पास ये जानकारी आ गई है और आप easily इसको answer भी कर सकते हैं. One thing जो आपको पता लग गई इधर. चलिए, so let's move back to our revision card here. वापस उसकी तरफ जाएंगे. So ये लॉर्ड Macaulay का अरेंजमेंट हमने देख लिया है यहां पे. ओके, एंड देन वी हैड दिस चार्टर एक्ट 1853. द आइडिया वॉज दिस, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश कंट्रोल, एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग्स, और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह यहां से आपके फैसिलिटेट होते हैं. ठीक है, एंड दिस वॉज देयर फॉर अनलिमिटेड पीरियड. अभी तक उनको पता नहीं था, वो तो हमारे यहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, पूरी कहानी बदल गई उसके बाद. देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम लॉर्ड डलहौजी, ही वॉज देयर एज यू कैन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ही सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. अब देखो, यहां पे सेपरेशन हो जाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, गवर्नर जनरल की काउंसिल का. पहली बार यहां पे ये अरेंजमेंट डाला गया था. एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी जिसके अंदर देयर वर सिक्स मेंबर्स. लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो आइडिया भी एक्सप्लोर किया गया, एंड फोर लेजिस्लेटिव मेंबर्स दे वर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम प्रोविंसेस टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर. ये था वो लोकल आइडिया. ओके, so this is how things were planned and it was one such important reforms. तो जैसे बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम इंडियंस को थोड़ा बहुत खुश करते रहते थे. बहुत बड़ा बिग बैंग रिफॉर्म उन्होंने नहीं किया, ग्रेजुअल रिफॉर्म था, एंड दिस वॉज इन लाइन विद दैट. दिस वॉज दैट सच ग्रेजुअल रिफॉर्म, थोड़े थोड़े करके ही वो जो है इंडियंस को खुश करते थे. सो वी गोट एन आइडिया अबाउट इट. अब अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, there was this system of open competition for the recruitment of civil servants. ye system aapka aata hai 1853 ke act ke baad, ki ab civil servants ke liye open exam karwaya jayega
और रिक्रूटमेंट होगी एंड एग्जाम अभी भी जो है बाहर ही हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, ठीक है जी। दिस वॉज द पॉइंट। देन वी नो व्हाट हैपेंड 1857 के अंदर, आपके अंदर चीजें बदल जाती हैं, ब्रिटिशर्स थोड़े डर जाते हैं एंड दे केम अप विद द न्यू अरेंजमेंट। तो उसके बाद जो अरेंजमेंट यहां पे आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दे लर्नड फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपनी जो भी मिस्टेक्स उन्होंने की थी उनसे ब्रिटिशर्स ने सीखा एंड दे वर गुड एट इट, काफी अच्छे से वो इस पे चलते थे। ओके, सो व्हाट दे डिड नाउ, देयर वाज दिस ट्रांसफर ऑफ पावर टू ब्रिटिश क्राउन आफ्टर दिस। ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्टली इन्वॉल्व था इंडिया के अंदर गवर्नेंस के लिए, वट एवर डेवलपमेंट दैट वर हैपनिंग इन इंडिया, ठीक है जी। अब आप इसके अंदर देखेंगे, नाउ दे अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है। ओके, एंड देर वॉज दिस न्यू पोस्ट दैट वॉज क्रिएटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये नई पोस्ट उधर बना दी गई थी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब देखो वॉइस रॉय बोला जाएगा, गवर्नर जनरल जो है उनको डेजिग्नेट किया जाएगा एज वॉइस रॉय, सो लॉर्ड कैनिंग ही वॉज द वॉइस रॉय एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है जी, ये हमें पता लग गया। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग कि एग्जाम जो है बाहर ही हो रहा है, सो ICS ओपन एग्जाम इन लंडन, ये प्रोविजन भी यहां पे फैसिलिटेटेड था, ठीक है। सो वी गॉट एन आइडिया अबाउट इट। नाउ देर वॉज फर्दर डेवलपमेंट, अब देखिए जो कानून है वो थोड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। सो इट वॉज दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 विच टॉक्स अबाउट सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो जब इंडियंस की बात आ रही है, पॉइंट यहां पे तो ये था कि रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी गिवन, सो दे प्रोमिस दैट दे विल गिव रिप्रेजेंटेशन। लेकिन रिप्रेजेंटेशन किनको दी उन्होंने, अपने लॉयलिस्ट्स को, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट हैं उनको ही वहां पे लाया गया था। बट स्टिल एज आई टोल्ड यू दे ऑलवेज फॉलोड द इंक्रीमेंटल अप्रोच, धीरे धीरे करके ही उन्होंने रिफॉर्म्स फैसिलिटेट किए हैं। सो दिस वॉज अदर डायमेंशन। लॉर्ड कैनिंग एज आई टोल्ड यू कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने का यहां पे प्रोविजन था। अब गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए गए, ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल प्रोविजन डाला गया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो इंडियंस को दिए गए थे। नॉट ओनली दैट, आप देखेंगे आज की डेट के अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं, वो अलग अलग पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। इट वॉज दिस अरेंजमेंट विच फैसिलिटेटेड द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। ये आपका 1861 का एक्ट है जो पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आता है। आप जैसे देखेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं, अगेन वायसराय नाउ ही हैड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ड्यूरिंग द एमरजेंसी, इट वाज अगेन फैसिलिटेटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट, वो भी यहीं से ही फैसिलिटेट हुआ था। दिस इज द पॉइंट, ठीक है जी। नाउ मूविंग अहेड हियर, दे फर्दर एक्सपेंडेड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मेंबर्स जो है 6 से 12 कर दिए गए थे। इंडियंस को यह बताया जा रहा था कि ठीक है हम जो है आपके लिए काम करेंगे, इस सरकार जो है आपकी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, लेकिन इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स का अभी भी सेम ही था, टू प्लंडर द इंडियन वेल्थ। तो ये सब बातें दिखाने के लिए थी कि बहुत बड़े रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं, रियलिटी में कुछ खास चीजें नहीं थी। अब हमने पहले पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन का अरेंजमेंट किया गया था 1833 के अंदर, अब उसको रिवर्स करके डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है। तो आप देखेंगे इसमें रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। 1833 के अकॉर्डिंग जो है चीजों को सेंट्रलाइज किया गया कि भाई बंगाल जो है वो बॉम्बे और मद्रास के लिए भी कानून बना रहा है। अब चीजें वापस रिवर्स की गई एंड नाउ मद्रास एंड बॉम्बे दे हैड देयर लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉज एंड ऑल। नॉट ओनली दैट, प्रोविजंस वर मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का जो है प्रोविजन यहां पे डाला गया था। सो दिस वाज द डिजाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे चलेंगे और उसके बाद जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं जल्दी से उनको भी
कवर अप करेंगे कि देर आर स्टिल आई गेस टू PYQs दैट आर लेफ्ट, दो वो हैं उनको किया जाएगा यहां पे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इट इज टॉकिंग अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. द आइडिया वॉज टू एड्रेस पोलिटिकल डिमांड एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव लेजिस्लेटिव सिस्टम इन इंडिया. तो इन्होंने क्या किया लेजिस्लेटिव बनाने के लिए. अब देखिए उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर मतलब अब तो वॉयसराय हो गए हैं, जो वॉयसराय थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन. ठीक है, इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, बट मेजोरिटी अभी भी किन के पास थी, ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑफिशियल मेंबर्स के पास मेजोरिटी होती थी. ठीक है जी. नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट अरेंजमेंट वॉज मेड. For the first time, there was this arrangement of indirectly elected provincial legislative council. Provinces के अंदर first time indirect election का provision डाला गया था. और इस indirect election में कौन लोग vote करने वाले थे? So majorly, अच्छा पहली बात, non-official members सिर्फ उन्हीं के लिए ही indirect election का arrangement था. और कौन लोग वोट करने वाले थे? लोकल बॉडीज के अंदर जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस के अंदर, जमींदार्स के अंदर, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, पीपल हु आर वेल ऑफ, और ज्यादातर वो लोग जो आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं को ही थोड़े बहुत वोटिंग राइट्स आप बोल सकते हैं दिए थे. आम जनता को नहीं दी इन्होंने, आम जनता को भी नहीं है. So these individuals, they were, you can say, given the voting right. और यहां पे first time indirect election का provision आता है. ठीक है जी. So covering it, this particular point here. अब उससे पहले हमने एक चीज देखी थी, मैंने आपको ये बताया था कि Indians को वो थोड़े थोड़े time पे कुछ relaxation दे देते थे. And there was another relaxation here in terms of Indian members, they were now allowed to debate budget. अब देखो कितनी ये छोटी चीज है कि Indians को बजट डिबेट करना अलाउड था. डिबेट कर सकते थे लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते थे. सो इट वॉज विदाउट वोटिंग. देन दे कैन आस्क क्वेश्चन बट देर इज नो फॉलो अप क्वेश्चन. सवाल किया गया, जवाब दिया नहीं दिया, उसके बाद कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं होगा. दिस वॉज द प्रोविजन. ये प्रोविजन डाला गया था. तो ब्रिटिशर्स दे यूज टू सेंट्रलाइज एवरीथिंग, सारी कमांड वो अपने हाथ में रखते थे. ऐसे नहीं वो किसी के हाथ में पावर दे देंगे. दिस वॉज द पॉइंट. ठीक है जी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, वी हैव टू मूव टू इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको आप मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं. तो टू अप्लाई द इलेक्टोरल प्रिंसिपल्स, और आप देखेंगे कि गवर्नेंस के अंदर इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इसमें बढ़ाने का इन्होंने सोचा था. अच्छा, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही वॉज लॉर्ड मोरले, और जो वायसराय थे ही वॉज लॉर्ड मिंटो. अब देखिए यहां पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फर्स्ट इंडियन को डाला जाता है. एंड द फर्स्ट इंडियन हु वॉज देयर टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इट वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ओके, so Satendra Prasad Sinha, he joined as first Indian to the Executive Council of Viceroy. इससे पहले जो भी representation देने का काम चल रहा था वो legislative arrangements में चल रहा था. यहां पे Executive Council के अंदर आप बोल सकते हैं कि Viceroy को राय देने वाले लोग हैं ये, closer to the Viceroy. So Satendra Prasad Sinha, he was there. He was having a knighthood. ब्रिटिश क्राउन ने उनको एक अवार्ड भी दिया था. ओके, सो ही वॉज यू कैन से क्वाइट क्लोजर टू द ब्रिटिश ओरिएंटेशन, बट स्टिल ही वॉज इंडियन एंड ही वॉज देयर एज फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी देयर ऑन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय. तो ये हमें पता लग गया यहां पे. ठीक है, अब आप इसमें आगे देखिए द स्ट्रेंथ. अब बात हो रही है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ is now to be increased to 68 और non official members जो है यहां पर रखे गए 32. ठीक है, अभी भी official members का number ज्यादा है. अच्छा, provincial legislative councils में, अब देखो यह central legislative council की बात आ रही है, यह provincial legislative council है. provincial legislative council के अंदर जो non official members थे they were allowed to have majority. This is the minor distinction. Central Legislative Council का भी number different है, provincial राज्यों में वहां पे number different चल रहा है.
ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दे वर अलाउड टू हैव मेजोरिटी, दिस वॉज द पॉइंट. ये माइनर डिस्टिंक्शन है जो आपको याद रखना है. देन देर वॉज अनदर प्रोविजन. तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो है काफी फेमस भी हुए थे, एंड दैट फेमस पॉइंट वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. और आप बोल सकते हैं कि यहीं से शुरुआत होती है डिवाइड एंड रूल की. ये डिवाइड एंड रूल का सिस्टम यहां से शुरू होता है, ठीक है जी, और यही हमें ध्यान रखना है. और आप देख सकते हैं ये डिवाइड एंड रूल अब अच्छे से शुरू हो गया. इधर ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से बीज वहां पे बो दिए, और यहां से आप देखेंगे कि डिमांड फॉर पाकिस्तान ग्रेजुअली ग्रेजुअली बननी शुरू हो जाती है. दिस इज हाउ थिंग्स वर डन. यहां से ब्रिटिशर्स ने यह चीज एस्टेब्लिश कर दी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं. हिंदूज के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, एंड दैट्स व्हाई दे सेड मुस्लिम्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए. दैट वॉज द सेपरेट इलेक्टोरेट. व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? क्या आज की डेट में जो रिजर्वेशन का अरेंजमेंट हमारे यहां चलता है, वॉज इट द सेम? क्या बिल्कुल वैसा ही था ये? नो. आज की डेट में जो रिजर्व्ड सीट होती है उस पर वोट सब लोग करते हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर सिस्टम था कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, कोई भी नॉन मुस्लिम्स उन कैंडिडेट्स को वोट नहीं करेगा. मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही आगे जाएंगे. दैट वॉज द आइडिया. इट वॉज अ सैड थिंग, बट दिस इज हाउ द पॉइंट वॉज टू डिवाइड इंडिया एंड टू वीकन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. सो वो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वहां से शुरू होती है और आज तक चलती है. अब देखिए, बात ये डिवाइड एंड रूल की उधर खत्म नहीं हुई. अभी तो सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड किया उन्होंने, उसके बाद ग्रेजुअली बाकियों को भी बांटने का पूरा प्लान ब्रिटिशर्स ने किया था. एंड इन लाइन विद दैट देयर वाज दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं. आइडिया वॉज दिस, ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से कह रहे थे कि भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो देंगे, कि इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि मिनिस्टर साहब होंगे, और मिनिस्टर साहब जो हैं वो जवाबदेही होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी. एंड दिस इज हाउ दे ट्राइड टू डू इट इन अ पार्शियल वे. ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू, दिस वॉज द अरेंजमेंट जो इधर से आता है. अच्छा, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड ही वॉज द वाइसराय एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है. अब देखो यहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, उसका भी एक्सपेंशन चल रहा है. तो पहले सिर्फ तीन मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुआ करते थे, नाउ द नंबर वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to 6. दिस वॉज डन हियर. ओके, बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ सेंटर के अंदर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड. नॉट ओनली दैट, द डायर्की, इस डायर्की के थ्रू वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आना चाहते थे. अब डायर्की का क्या सिस्टम था? दे सेड दैट वी विल डिवाइड द सब्जेक्ट्स. एक होंगे हमारे यहां पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, और दूसरे होंगे आपके यहां पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है. ये प्रोविजन डाले यहां पे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. अच्छा, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं, जो ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने रखे अपने गवर्नर जनरल के अंडर. ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो उन्होंने दिए इंडियन मिनिस्टर के अंडर, कि अब एक इंडियन मिनिस्टर होगा, वो उस पर्टिकुलर डोमेन पोर्टफोलियो को संभालेंगे, और वो मिनिस्टर साहब जो है वो जवाब देंगे असेंबली को. दैट वॉज द प्रोविजन. ये चीज यहां पर एस्टैब्लिश की गई थी. एंड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम अब यह डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन लाया जा रहा है, कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन भी लाए जाएंगे. क्या सबको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे? नहीं, लिमिटेड लोगों को ही वोटिंग राइट्स होंगे. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में नहीं दिया, ठीक है. तो लिमिटेड लोगों को वहां पर वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, और वो लोग कौन होंगे जो ब्रिटिशर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है जी. दिस इज हाउ थिंग्स हैड बीन डन. जो एजुकेटेड हैं उनको लॉयर्स एंड ऑल अदर्स, जमींदार्स एंड ऑल, दे वर गिवन द राइट. नाउ आई टोल्ड यू कि वो
इंडिया को और बांटना चाहते थे, तो जो उन्होंने 1909 के अंदर स्टार्ट किया, यहां पे फर्दर एक्सपेंड करने का सोचा. हाउ इट वॉज टू बी एक्सपेंडेड? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन लाने का काम आपके यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से स्टार्ट हुआ था. बाद में 1923 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, बट 1919 के अंदर यह फैसिलिटेशन किया गया था. ठीक है जी. सो यू गॉट एन आइडिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर एक्सपेंड किया उन्होंने. सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए अरेंजमेंट यहां पे डाला गया, यूरोपियंस के लिए भी था इधर. अलोंग विद दैट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी डोमेन इन्होंने ओपन अप किया यहां पे. ओके, सो इट वॉज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. अब देखिए, यूपीएससी ने जो सवाल किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था. अब डिमांड पेपर की थोड़ी इनडेप्थ चली गई है, तो ये सवाल आप देखिए प्रीलिम्स 2022 के अंदर किया गया था. द क्वेश्चन वॉज दिस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इट फैसिलिटेट्स डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स एज रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. अब इन्होंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट. किसको रिजर्व्ड सब्जेक्ट माना जाएगा? रिजर्व्ड का मतलब है जो कि गवर्नर जनरल या वायसराय साहब के पास है. ठीक है, प्रोविंसेस में तो उस टाइम पे भी गवर्नर ही हुआ करते थे, उनके पास रखा जाएगा. ठीक है जी, ये इनका सवाल था. क्या ब्रिटिशर्स, अगर ट्रांसफर्ड की बात करें तो ट्रांसफर्ड वो है जो इंडियन मिनिस्टर के पास होंगे, क्या ब्रिटिशर्स ऐसा रिस्क लेंगे कि पुलिस किसी इंडियन मिनिस्टर के हाथ में दे दें? नहीं. तो पुलिस इट वॉज देयर एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट. ठीक है, तो जिसमें फोर है उसको आप रखेंगे. अब तीन ऑप्शन में फोर है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गांव में पंचायत, क्या यह इतनी बड़ी चीज थी ब्रिटिशर्स की कि वो इसको अपने पास रखते? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर काम क्या होता है? सैनिटेशन, ट्यूबलाइट, स्ट्रीट लाइट, ऑल दोज काइंड ऑफ वर्क्स. ठीक है, सो दिस आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इट वॉज प्लेस्ड अंडर इंडियन मिनिस्टर और ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था. तो हमें पता लग गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है. ट्रांसफर्ड है मतलब रिजर्व्ड में नहीं आ सकता. जिस जिस में भी सेकंड है उसको एलिमिनेट करना है. सेकंड यहां पे है, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया. यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद सी ऑप्शन एंड दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, अब देखो चीजें बदल गई हैं. यूपीएससी ने अब ये एलिमिनेशन टेक्निक वाला सिस्टम हटा दिया है, इसलिए हमें हर चीज पिन पॉइंटेड याद रखनी है. तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिला कि आप इन पर्टिकुलर डायमेंशंस को याद रखेंगे कि यह जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, लैंड रेवेन्यू है. इंडिया से तो मेजरली लैंड रेवेन्यू ही आता था, तभी तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया. अरे वो क्यों वो किसी मिनिस्टर के अंडर देंगे? वो तो तिजोरी है, अपने पास रखेंगे. लैंड रेवेन्यू से ही तो ब्रिटिशर्स ने वहां पर इतने बड़े महल बनाए हैं. ठीक है ना. सो दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस, दे वर देयर एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट. ये आपको याद रखना है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, इरिगेशन, ऑल दोज वर पुट अंडर मिनिस्टर. उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट माना गया था. ठीक है, एजुकेशन भी तब जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया था. दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये सारी चीज आपको याद रखनी है. ठीक है जी, दिस इज समथिंग जो थोड़ा बहुत समझने का था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21. लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स दे वर सो प्रोग्रेसिव कि वो इंडियन वुमेन को
वोटिंग राइट्स देंगे इंडियन वुमेन अबाउट द एज ऑफ 21, उन सबको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे. डू यू सीरियसली थिंक थिंग्स विल बी इन दैट डायरेक्शन? सर्टेनली नॉट, हो ही नहीं सकता. तो ये स्टेटमेंट तो गलत. इतिहास गवाह है, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज भी माने जाते हैं, यूएस और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, किसी ने भी वुमेन को राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग वोटिंग राइट नहीं दिया था. इट वॉज इंडिया जहां पे पहले दिन से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया गया था. एट दैट टाइम इट वॉज अबव द एज ऑफ 21, 21 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग थे वो रजिस्टर्ड वोटर बन सकते थे इंडिया में, और वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम था. पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं रखा गया था. वुमेन को सबसे पहले स्टार्टिंग में ही वोटिंग राइट्स किसी ने नहीं दिए थे, ठीक है ना? तो आप भूल जाइए कि ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ करेंगे. अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. अब जो आगे वाला हम प्रोविजन करने वाले हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओनली, उसी को ही हम करने वाले हैं. और वहां पे आप देखेंगे उस कार्ड के अंदर दे रखा है रिवीजन कार्ड में कि किस तरीके ब्रिटिशर्स ने वहां पे वुमेन रिजर्वेशन का अरेंजमेंट फैसिलिटेट किया था. अभी मोदी जी ने किया है 33% अरेंजमेंट. ब्रिटिशर्स ने भी कुछ कुछ इस डायरेक्शन में सोचा था. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट यू कैन से कॉम्पोनेंट ऑफ योर रिविजन कार्ड. That we have here is Government of India Act 1935. What does it say? It says that, ठीक है, आइडिया था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का, और जितने भी प्रोविजन्स यहां पे हुए हैं उसमें आप ये बोल सकते हैं कि सबसे इफेक्टिव आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही रहा है, सबसे प्रोग्रेसिव था. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने बहुत सी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट की है, ठीक है. सो इट वॉज मोस्ट प्रोग्रेसिव ऑफ ऑल द लॉज दैट ब्रिटिशर्स ब्रॉट. डेफिनेटली सबसे प्रोग्रेसिव तो हमें यही लगेगा जिससे हम आजाद हुए थे, लेकिन यह भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ था और काफी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है. क्या क्या किया इन्होंने? सो अंडर दिस अरेंजमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इट वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है. एट दैट पर्टिकुलर टाइम हु वॉज द वायसराय? लॉर्ड विलिंगटन, ही वॉज द वायसराय हियर, ठीक. अब इधर बनाई जाती है, आइडिया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी. बिफोर दैट दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद एन आइडिया, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे बेस्ड था ये. ये पॉइंट याद रखना है, ठीक. साइमन कमीशन ने स्टडी किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या यहां पे अब तक परफॉर्मेंस रहा है, उसको स्टडी करके उससे फर्दर इंप्रूव्ड वर्जन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डाला गया था. लेकिन साइमन कमीशन में देयर वाज नो सिंगल इंडियन मेंबर. अब यह बहुत ही हर्टफुल था उस टाइम के इंडियन लीडर्स के लिए कि भाई उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा कि एक भी इंडियन नहीं डाला गया इस कमीशन के अंदर, इस कमेटी के अंदर. एट दैट पर्टिकुलर टाइम नेहरू, मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, तो नेहरू कमेटी बनाई गई और नेहरू कमेटी अपनी एक रिपोर्ट यहां पे लेके आती है. एंड लेटर ऑन लॉट ऑफ वैल्यूज दैट इज रिफ्लेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो वहां से बन के आती है. तो नेहरू रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है इनडायरेक्टली, ठीक है. मेजरली साइमन कमीशन में किसी इंडियन को नहीं डाला तो इंडियंस की ईगो हर्ट हो गई थी उस टाइम पे. यह था कि अब हमें जो है कुछ करके दिखाना है, और नेहरू रिपोर्ट एक पूरा डिटेल्ड सिस्टम लेके आती है कि किस तरीके से आजादी के बाद इस देश को चलाया जाएगा, किन वैल्यूज को अडॉप्ट किया जाएगा. ऑल दोज थिंग्स वर रिफ्लेक्टेड इन द नेहरू रिपोर्ट. मोतीलाल नेहरू ही वॉज हेडिंग दैट पर्टिकुलर कमेटी. तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है, एडिशनल हमने बता दिया. अब आप इसके अंदर देखिए कि लॉर्ड वेलिंगटन उस टाइम पे हमारे वायसराय हुआ करते थे. आइडिया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन को यहां पे लेके आएंगे, ठीक है. देन डायर्की वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट सेंटर. रेजिडरी पावर्स किसको दी जाएंगी? वायसराय को दी जाएंगी, ठीक है. अच्छा, अब तीन लिस्ट लाई गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. और यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन होता है फॉर द फर्स्ट टाइम काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर. फर्स्ट टाइम ये डायरेक्ट इलेक्शन हुए, बहुत बड़े लेवल पे इलेक्शंस वहां पे करवाए गए थे. उस टाइम पे भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, ऑलवेज रिमेंबर दिस.
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तब भी नहीं था। अगर हम कैलकुलेट करें कि कितने परसेंट इंडियंस को वोटिंग राइट्स उस टाइम दिए गए थे, तो आप देखेंगे समवेयर अराउंड 10% इंडियंस के पास ही उस टाइम पे वोटिंग राइट्स थे। सबके पास वोटिंग राइट्स उस टाइम पे भी नहीं थे, ठीक है। ये मोस्ट प्रोग्रेसिव लॉ की बात हो रही है जो ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से बनाया था। बाद में तो इंडियंस ने काम किया अलग से, दैट्स द सेपरेट थिंग। अब आप देखिए, इसके अंदर बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सम ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, वहां पर बाइकैमरलिज्म लाया गया और स्टेट्स के अंदर जो डायर्की का सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया। सेंटर में डायर्की लाई गई और स्टेट में अबॉलिश की गई। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, दिस अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इट वॉज फैसिलिटेटेड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर। तो हमने देखा कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन का अरेंजमेंट लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेबर के लिए भी अरेंजमेंट है। दिस कैन बी द स्टेटमेंट, मतलब अगर एग्जाम में मुझे ये पेपर सेट करना हो तो मैं ये लेबर वाला पॉइंट जरूर डालूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर ये याद नहीं रहेगा और वो ये सोचेंगे अरे लेबर के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन कभी करता है क्या, एंड दे माइट गो फॉर द रॉन्ग आंसर। सो यू हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज, पूरा का पूरा आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, हियर वी हैव दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसने हमें आजाद किया। क्या चीज ये डिक्लेयर करती है? डिक्लेयरिंग इंडिया एज सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। अब देखो, ये भी जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ है, ठीक है। आप लोग ये मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रहा है, ये वहीं से ही आ रहा है ये कानून। इट वॉज द पॉइंट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का सिस्टम अबॉलिश किया गया था, ठीक है जी। लॉर्ड माउंटबेटन, ही वॉज आर वॉयसराय, और आप देख सकते हैं वॉयसराय का सिस्टम भी अबॉलिश किया गया और गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। तो ये हमारे आखिरी वॉयसराय बने और पहले गवर्नर जनरल भी बने, पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उसके बाद हमारे सी राजा गोपालाचारी हैं। सी राजा गोपालाचारी वॉज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। तो लास्ट जो ब्रिटिशर थे जो हमारे यहां पे गवर्नर जनरल की पोस्ट पे रहे, इट वॉज लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है जी। अच्छा, एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्रोविजन क्या था? दैट गवर्नर जनरल वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय मोनार्क ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। तो हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा चुकी थी, आपके यहां पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी उस टाइम पे एग्जिस्ट किए गए थे, नेहरू जी को चार्ज दे दिया गया था, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट उस पर एग्जिस्ट करता था। वो ये सजेस्ट करेंगे कि किनको गवर्नर जनरल बनाना है, वो सजेस्ट किसको करेंगे? ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा कौन बनेगा हमारा गवर्नर जनरल। ये प्रोविजन आपका आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से, ठीक है। इंडिया बिकेम फुल्ली सॉवरन इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको चूज किया किन्होंने? हमारे इंडियन सब्जेक्ट्स ने, मतलब इंडियन लोगों ने। कैसे? इनडायरेक्टली। उधर भी डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं था, ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आपके मेंबर्स को लोग डायरेक्ट चूज कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट अरेंजमेंट था। वो भी हम आगे अभी याद रखेंगे, करेंगे उन चीजों को भी, ठीक है। सो दिस वॉज द आइडिया। अब यहां पे प्रोविजन डाला गया दैट ऑल गवर्नर्स ऑफ स्टेट टू बी हैंसफोर्थ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। अब शुरुआत हो गई है थोड़े तरीके से, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में आने वाला है, तो रियल और नॉमिनल हेड, ये डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलेंगे कि रियल पावर आप देखेंगे वो प्रोविंसेस के लेवल पे सीएम के हाथ में हो जाएगी और सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो जाएगी, और जो नॉमिनल हेड होंगे वो गवर्नर्स बनेंगे यहां पे, ठीक है। अच्छा, देयर वाज दिस प्रोविजन की ब्रिटिश पैरामाउंसी को अब जो है वो लैप्स किया जाएगा और फाइनली इंडिया को
पार्टीशन किया जाएगा. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90 मींस 1947 फैसिलिटेटेड पार्टीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आइडिया हमें पता लग गया. उस टाइम पे हब बने थे डोमिनियन, ब्रिटिश क्राउन को मानते थे. ओके, दैट वॉज द अरेंजमेंट. उसके बाद हम रिपब्लिक बने 1950 के अंदर, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है और यह बताया जाता है कि इंडिया का अब मोनार्क नहीं होगा और यहां पे प्रेसिडेंट साहब होंगे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट. ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड. वी हैव डन सम ऑफ द PYQs, वो भी हमने यहां से किए हैं. लेट्स मूव टू द सेकेंड कॉम्पोनेंट, जो कि इस पर्टिकुलर हमारे सिलेबस शीट के साथ एसोसिएटेड है. अब हम देखते हैं कि इसके आगे की कहानी कैसी रही थी, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्या जानकारी है. और अब बात हो रही है हमारे संविधान को बनाने की. तो जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, क्या रीजन है, किन थॉट प्रोसेस के साथ आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे बना रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड हियर नाउ. सो लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. और यू ऑलरेडी हैव दिस हैंड आउट विद यू. ये एक मेजर थीम है. फर्स्ट बेसिक आइडिया दैट इज टू बी लुक्ड इनटू इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो पहली बात यह है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ स्टेट. पहली बात यह है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, वो अपनी डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ऑर्डर्ड वे में, एक सीक्वेंस्ड वे में डेवलपमेंट हो, वो आगे बढ़े, उनका बेनिफिट हो, उनका फायदा हो. ये लोगों की थॉट है, इसलिए वो बनाते हैं एक स्टेट. भी स्टेट में वो अपने में से ही कुछ लोगों को कुछ पावर देते हैं. स्टेट का यह मतलब है सरकार, कि सरकार को, स्टेट को उन्होंने पावर दे दी और सरकार इन लोगों को गवर्न करेगी. अब सरकार को पावर दे दी है, सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा, सरकार किन वैल्यूज पे काम करेगी. ऐसा तो नहीं है कि सरकार में काम करने वाले लोग सारी पावर अपने हाथ में ले लें, वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा. क्योंकि टेम्पटेशन होती है, पावर इस कुर्सी में करंट होता है, ठीक है ना, वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं. सो ऐसा कुछ ना हो जाए कि वो पावर जो है वो एब्सोल्यूट पावर में कन्वर्ट हो जाए. टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, एंड दैट सिंगल डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी लॉ ऑफ द लैंड. वो होगा उस धरती का सुप्रीम कानून. उस धरती पे जो भी बाकी कानून बनेंगे वो उस पर्टिकुलर लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग बनेंगे. दिस इज हाउ दिस आइडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड. तो यहीं से बात शुरू होती है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लाया जाएगा. एंड हियर द डेफिनेशन सेज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, कि इस धरती पे इस पर्टिकुलर कानून, इस पर्टिकुलर सुप्रीम लॉ के हिसाब से गवर्नेंस फैसिलिटेट होगा. एंड जैसा मैंने बताया, बेसिक रीजन हमें क्या समझ में आता है कि आप यहां पे गवर्नमेंट को लिमिटेड करने वाले हैं. यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि एक लीगल डॉक्यूमेंट हो, उस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर सरकार की क्या क्या लिमिट्स होने वाली हैं, वो लिमिट्स पहले ही डिफाइंड हो. ये आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का. सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा, सरकार की पावर क्या होगी, क्या ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, कितनी बॉडीज बनाई जाएंगी, स्टेट में कैसी सरकार चलेगी, क्या पोजीशन होगी, सीएम होगा, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होगा, कैसा फेडरल इक्वेशन बनेगा, गवर्नर साहब कैसे होंगे, हमारे यहां पे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए जाएंगे, ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. सेंटर और स्टेट का रिलेशन, दैट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. नॉट ओनली दैट, सिटीजन और आपकी सरकार का रिलेशन, दैट इज मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. ये सरकार, ये स्टेट,
यहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन को कुछ राइट्स देंगे, फंडामेंटल राइट्स, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. नॉट ओनली दिस, सिटीजन की भी कुछ ड्यूटीज हैं, दैट इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरीके से इस थॉट प्रोसेस के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर लाने की बात की गई थी. सो दिस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज टू मेक श्योर दैट द रूलिंग गवर्नमेंट जो भी पावर में है वो ये ना सोचे कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, उसके पास लिमिटेड पावर है. एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली. सिटीजन को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उस चीज की अश्योरिटी के लिए आपके पास है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज वॉट द आइडिया सेज. ठीक है जी, आगे देखिए आप. सो बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट वी हैव अ you can say fundamental law of the land, and that fundamental law of the land is going to limit the government. सरकार को control करने के लिए ही इस constitution की जरूरत पड़ती है. तो जैसे हम लोग बोलते हैं बेलगाम घोड़ा किसी काम का नहीं होता, आपको घोड़े के नाल में, नाक में नकेल कसनी होती है ताकि आप उस पर कंट्रोल कर सकें. दिस इज द आइडिया कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो ये ना सोचें कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है और वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएं. टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर वो सारे प्रोविजंस मेंशन्ड हैं. दिस इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट. देन देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब आप मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर वी हैव दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारा संविधान आप बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव अ रिटन अरेंजमेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस इट ऑल्सो हैज अ रिटन अरेंजमेंट, बट यूके के केस में हम क्या कहते हैं, उनका है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो दोनों में फर्क मेजरली क्या है? मेजर डिफरेंस इज दिस, where we have a written constitution, uska matlab ye hai, there had been a deliberate attempt to write your constitution. ki constitution likhne ke liye ek deliberate attempt kiya gaya hai. to india ke andar constituent assembly banayi gayi thi. the idea was that there is this constituent assembly aur uske andar jo log hain wo is constitution ko likhenge, wo isko samjhenge. ठीक है जी, दिस इज द आइडिया. नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दोबारा आप एक्सप्लेन करें. ठीक है, तो आप एक चीज समझें, मैंने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों ने यह डिसाइड किया कि अगर हम इस सरकार को पावर देंगे तो उस सरकार में जो लोग हैं उस पावर का मिसयूज करेंगे. अगर उन लोगों पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी तो वो लोग अपने मन से काम करेंगे. अब अपना मन तो कैसे भी चर सकता है ना, कि आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं किसी के लिए अच्छा काम कर दूंगा, आज मेरा मूड खराब है तो मैं किसी के लिए काम अच्छे से नहीं करूंगा. ठीक है, तो मेरे मूड के हिसाब से चलेगा, और मैं अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता हूं, टेम्पटेशन होती है लोगों के अंदर. ओके, ऐसी सिचुएशन ना हो तो हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप यह डिफाइन करेंगे कि क्या क्या पावर्स हैं, कैसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगी. यह इंफॉर्मेशन आपने पहले ही उस डॉक्यूमेंट में लिख दी, तो जितनी भी आपकी बॉडीज हैं वो उस डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं जा सकती. जैसा इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वैसे ही उनको एक्ट करना है. दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस डॉक्यूमेंट. एज दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस डॉक्यूमेंट, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द रीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये है आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, कि जो भी इस सिस्टम के अंदर है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं है. वो कभी भी ये ना सोचे कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, क्योंकि उनके पास उतनी ही पावर है, उतनी ही लिमिटेड पावर है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड
गवर्नमेंट, कि सरकार की लिमिट लगाना, सरकार को लिमिट में रखना, यह है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है जी, आगे देखिए इसके अंदर। सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस रिटन एंड अनरिटन थिंग हियर। तो मैंने बताया कि इंडिया में वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो डिफरेंस मेजरली क्या होता है, दैट देयर इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और वो जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं। इन ब्रिटेन दैट डेलिबरेट अटेम्प्ट वॉज नॉट डन, बट दे डू हैव मल्टीपल लॉज। यूके के अंदर मल्टीपल कानून एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल लॉज हैं, और उन कानून के अकॉर्डिंग वो जो है आगे चलते हैं। ठीक है जी, दिस इज द पॉइंट। ठीक, अच्छा, अब इन्होंने एक मेरे से सवाल किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द वैल्यू एस्पेक्ट हियर। भावना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लेके आने की, भावना, दैट इज द वैल्यू एस्पेक्ट हियर। ये तो वो वाहन है, इट्स अ, यू कैन से अ व्हीकल। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ व्हीकल, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, पेपर है, इसके अंदर प्रोविजंस डाले गए हैं, उसके पीछे की भावना इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वैल्यू एस्पेक्ट है तो अगला सवाल आपका यही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया कि वैल्यू पहले आई। ठीक, लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट, यह सिर्फ मॉडर्न इंडिया में नहीं आया, पास्ट में भी था ऐसा, पुराने टाइम पे भी बोला जाता था कि राजा को, राजा के ये कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत सेंस में आप बोल सकते हैं कि पुराने टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वैल्यू रिफ्लेक्ट होती थी, दैट वॉज द पॉइंट। लेकिन वो थोड़ा आप इन डेप्थ चले जाएंगे, एग्जाम के डोमेन से बियॉन्ड हो जाएंगे। दिस इज व्हाट मैंने थोड़ा समझ लिया था कि आपका अगला सवाल क्या हो सकता है, तो मे बी यू माइट मूव इन दैट डायरेक्शन। उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। चलिए रिटन एंड अनरिटन पे वापस चलते हैं। तो यूके में उन्होंने कहा कि हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, एक सिंगल सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी कानून नहीं होंगे। तो यूके में बाकी कानून एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज वन थिंग जो आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया इधर। अच्छा, अब सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग, ब्रिटेन के अंदर अनरिटन है, यूएस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज हाउ इट वॉज। अब देखिए यहां पे कुछ बात की गई है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ओके, इफेक्टिव मेजोरिटी के प्रोविजंस की, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के प्रोविजंस की, क्लियर। नाउ फ्यू थिंग्स वी विल बी एड्रेसिंग, इसको थोड़ा बाद में करेंगे जब हम अमेंडमेंट्स का टॉपिक उठाएंगे, इट कैन बी कवर्ड देयर, ये वहां पे भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी, ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं यहां पे। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। लेट्स मूव टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा इस पे आते हैं। नाउ द पॉइंट हियर इज दिस, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू आता है और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की जाती है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे, उस टाइम पे टोटल स्ट्रेंथ का आइडिया यह था कि 389 टोटल स्ट्रेंथ होगी इस असेंबली की, 296 जो सीट्स आएंगी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को, रजवाड़े जो थे उस टाइम पे उनको भी एलोकेट किया गया था। ठीक है, एंड देन ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स दे हैड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ये पॉपुलेशन, ये पर्टिकुलर सीट्स अलॉट की गई थी अलग अलग प्रोविंसेस को। अच्छा, ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट्स दी गई थी वो तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइडेड थी, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल्स। जनरल में कौन कौन आएंगे, मुस्लिम और सिख छोड़ के बाकी सारे, ये अरेंजमेंट इधर डाला गया। ठीक है, अच्छा, इन ब्रिटिश प्रोविंसेस द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। अब देखो प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेचर बनाया गया ये उधर की बात हो रही है, वो जो लेजिस्लेचर बने, वो जो इलेक्ट होके आए, डायरेक्टली इलेक्ट होके आए, जनता ने जिनको चूज करके भेजा,
उन्होंने फर्दर मेंबर इलेक्ट किए टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी बनी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड यहां पे प्रोविजन था. दिस इज द की पॉइंट जो आपको याद रखना है. इनडायरेक्ट अरेंजमेंट था, ठीक है जी. अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में था एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इट वॉज फैसिलिटेटेड, ठीक है. सो दिस वॉज द मेजर अरेंजमेंट. अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर दे दिया गया था इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से कम्युनिटीज का. दैट वॉज द की पॉइंट हेयर. अच्छा, अब देर इज दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें यहां पर याद रखनी है. सो काम अब शुरू हो गया है. फर्स्ट मीटिंग ऑफ योर असेंबली वो लाई जाती है. अब यहां पे डॉक्टर सचिंद्रानंद सिन्हा, ही वॉज मेड टू प्रिजाइड ओवर इट. ओके, व्हाई ही वॉज आस्ट, बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर. सीनियोरिटी देखी गई यहां पे, ठीक है. अब देखिए, सीनियोरिटी का एंगल ये सिर्फ यहां पे ही खत्म नहीं हुआ. हमारे यहां पे एक पोजीशन बोली जाती है प्रोटेम स्पीकर. जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो आपका सेशन बनेगा उसके अंदर प्रोटेम स्पीकर जो है उनको वहां पे अपॉइंट किया जाता है. प्रोटेम स्पीकर का काम, प्रोटेम जो मतलब है उसका मतलब है टेम्परेरी. उनका मेजर काम क्या है, वो बाकी मेंबर्स को ओथ दिलवाएंगे, शपथ ग्रहण करवाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह वो उधर किया गया, ठीक है. दैट वॉज द अरेंजमेंट, इट वॉज डन. प्रोटेम स्पीकर जब लाया जाता है तो वहां पे भी ये कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा. अब उधर एज सीनियोरिटी नहीं है, यहां पे सीनियोरिटी थी ओल्डेस्ट मेंबर. इधर भी एज सीनियोरिटी नहीं है, सीनियोरिटी है कौन कितने ज्यादा समय तक उस पर्टिकुलर मींस लोकसभा का कौन ऐसा इंडिविजुअल है जो ज्यादा समय तक मेंबर है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है. ये हमारा कन्वेंशन है एक, ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं वो चीज हम यहां से भी आप बोल सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन इधर भी आया था कि भाई प्रोटेम स्पीकर तो चलो बाद जब देश आजाद हो गया तो बाद की कहानी है, लेकिन उससे पहले भी इस टाइप की ये प्रैक्टिस थी कि भी ओल्डेस्ट जो मेंबर होगा उनको आप टेम्परेरीली उनको बोलेंगे कि आप प्रिजाइड ओवर करें इस असेंबली के ऊपर. एंड दिस इज द फ्रेंच प्रैक्टिस. फ्रांस के अंदर ऐसा होता है, वहां से हमने ये आइडिया यो अडॉप्ट किया था. तो जब आपके यहां पे ये सिस्टम बना उसके बाद आप बोल सकते हैं कि प्रोटेम के जब स्पीकर अपॉइंट होता है उधर भी आप बोल सकते हैं कि ये वही प्रचलन है जो चल रहा है, वही आइडिया है जो इधर तक चलता आ रहा है, ठीक है. आगे देखेंगे. सेकेंड मीटिंग ऑफ असेंबली होती है, पहली मीटिंग हो गई, इन्होंने सबको शपथ वपथ दिला दी होगी. अब सेकेंड मीटिंग के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली. और सिर्फ इतना ही नहीं, दो वाइस प्रेजिडेंट यहां पे लाए जाते हैं. तो एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमचारी, दे वर इलेक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली. ये था सेकेंड मीटिंग का. फर्स्ट मीटिंग में सचिंद्रनंद सिन्हा, he was there as a presiding person of the assembly. और ये हमारा सिस्टम था कि हमने जो है ओल्डेस्ट मैन को चूज किया, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड को आपने चूज किया, उधर से आया था ये आइडिया. और फ्रांस का ये सिस्टम है जो हम यहां पे लेके आते हैं, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा. आगे देखिए, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या लेके आता है उसकी बात करते हैं. तो जैसा मैंने बताया कि असेंबली को एक सोवरेन बॉडी बना दिया गया था. सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब है कि इस एंटिटी के ऊपर बाहर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये एंटिटी अपने दम पे अपने लोगों के लिए सरकार सरकारी काम करेगी, या कानून बनाने का अगर काम है तो वो कानून बनाने का भी काम करेगी. ये प्रोविजन इधर से आता है, ठीक है. ये हुआ सोवरन मीनिंग कि ये भारतीयों द्वारा चुनी गई एक असेंबली है और वो भारतीयों के लिए ही संविधान बनाने का काम करेगी. दिस वॉज द ब्रॉडर आइडिया. देन देर वॉज दिस अरेंजमेंट, दिस असेंबली इट वॉज ऑल्सो सपोज टू फैसिलिटेट लेजिस्लेटिव फंक्शन.
कि ये सिर्फ जो है आपके यहां पे सोवरन आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम नहीं करेगी, उस समय पे जो बाकी कानून बनाने का भी अरेंजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप सिर्फ इस असेंबली को देने वाले हैं, ठीक है। और जी बी मवलंकर, ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ये मेजर पॉइंट है जो समझना है। अब हुआ क्या, मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया और जो स्ट्रेंथ थी इट वॉज लेफ्ट टू मीन्स 299 हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग जो हमें याद रखना है। नाउ देर वर सम अदर एडिशनल फंक्शंस दैट वर परफॉर्म्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और भी काफी चीजें जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की। सो वो सारी चीज हमें वन बाय वन याद रखनी होंगी। वन वॉज रेटिफाइंग द इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ, और अब आप एक क्रोनोलॉजी में इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद रखनी जरूरी है बिकॉज यूपीएससी क्रोनोलॉजी को ट्विस्ट करके भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट थिंग दैट वाज डिड दैट वी डिड हियर, इट वाज रेटिफाइंग इंडियाज मेंबर टू कॉमनवेल्थ। ये मई 1949 में किया गया था। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, आजादी से पहले ही हमारा नेशनल फ्लैग आ चुका था, तो आना भी जरूरी है, अदरवाइज नेहरू जी फहराएंगे किस झंडे को, तो इसलिए इसको पहले डाला गया, लॉजिकल भी था, ठीक है। नेशनल एंथम, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 24th of January 1950 में आता है आपका नेशनल एंथम 24 जनवरी को। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग ऑन द सेम डे, ठीक है। इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द सेम डे। तो ये जो तीन काम है ये एक ही दिन हुए हैं, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड इलेक्शन ऑफ राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी रिमेंबरिंग, ये पॉइंट आपको यहां याद रखना होगा। फिर आप आगे चलेंगे। सो कमेटीज की अगर हम बात करें, अलग अलग यहां पे बहुत बड़ा काम है, एक साथ आप सारे काम नहीं संभाल सकते, तो अलग अलग कमेटी यहां पे बनाई गई थी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स देवर हेडिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहां पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा याद रखने का, वो आप देखिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को कैसे याद रखा जाए, ठीक। अब प्रिसाइजली तो आपको शायद याद ना रहे, तो एक ब्रॉडर एक तरीका है, एक थोड़ा एक लॉजिक, एक आप बोलेंगे कि जुगाड़ का अरेंजमेंट है जिसके थ्रू जो है हम कुछ याद रख सकते हैं बातों को। तो यहां पे आप देखिए, प्रेजेंट लीफ वी सी जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वॉज हैंडलिंग द यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स। ये तीन काम जवाहरलाल नेहरू जी देख रहे थे, ठीक है, ही वॉज हैडिंग दिस अरेंजमेंट। सरदार पटेल, ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। उस डोमेन में सरदार पटेल, उनका रोल क्रिटिकल माना गया था। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाउ ही वॉज टू बी मेड अ प्रेजिडेंट, और प्रेसिडेंट का काम आप बोल सकते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है वो, और इस देश को चलाने वाले भी जो है वो उस डायरेक्शन में देश को चलाएंगे, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी, देन रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, कि किस तरीके से ये देश चलेगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी, ऑल दोज थिंग्स वर टू बी लुक्ड आफ्टर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम, ड्राफ्टिंग कमेटी, इट वॉज टू बी हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में तो सबको पता होता है, उसके अलावा आप देखेंगे देर आर अदर यू कैन से नेम्स। तो इधर है गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, यहां पे हमने कीवर्ड समझा गोपाल। ये है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इधर से आए जी कृष्णा, ठीक। फिर एक नेम है केम मुंशी, तो केम के अंदर जो के है दैट इज कन्हैया लाल, ओके, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, जो नेम पूरा है अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, द नेम इज कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, दैट इज व्हाट केएम स्टैंड्स फॉर। तो कन्हैया लाल मानिक लाल मतलब कन्हैया, ये आ गए जी यहां पे, ओके।
देन देर इज सैयद मोहम्मद सदुल्ला, तो प्रोफेट मोहम्मद इनका नाम आ गया है, इनके नाम से आप याद रख सकते हैं. देन अनदर नेम एन माधव राव, माधव ये भी भगवान कृष्ण का ही नाम है. और टीटी कृष्णमचारी, अगेन कृष्णा इज बैक. सो यू कैन सी वी हैव कृष्ण, गोपाल, माधव, दीज नेम्स आर एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा. एंड देन वी हैव प्रॉफेट मोहम्मद, सैयद मोहम्मद सदुल्ला. सो उनका रेफरेंस, ये एक तरीका है जो आप इसको याद रख सकते हैं. इसके अलावा आपको एडिशनल कोई नेम अगर समझ में आएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर लेना. ओके, यू कैन इजीली एलिमिनेट दोज थिंग्स. दिस इज द पॉइंट हियर. सो याद हो गया आपको, कृष्णा एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा, एंड देन वी हैव सैयद मोहम्मद सदुल्ला. ओके, सो दिस इज वन वे टू रिमेंबर हु ऑल वर देयर एज मेंबर ऑफ, यू कैन से द ड्राफ्टिंग कमेटी दैट वी हैड. तो आप कृष्ण के नाम से याद रखेंगे क्योंकि द मेंबर्स नेम अपार्ट फ्रॉम सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ऑल नेम्स आर एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा. ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक तरीका है इसको कवर अप करने का. ठीक है जी, हमें पता लग गया इसके अंदर. ओके, अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी, वी कवर्ड दीज पर्टिकुलर थिंग्स हियर. देयर इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है इसके अंदर. ओके, सो दैट वॉज द पॉइंट. अब पहले आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करवाया, द ड्राफ्टिंग पार्ट वॉज डन. लेटर ऑन इन द एंड प्रियम्बल वॉज एडेड. सो प्रियम्बल, वी रेफर प्रियम्बल एज इंट्रो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो प्रियम्बल का प्रोविजन डाला गया वो सबसे लास्ट में डाला गया था. ठीक है, दिस इज वन ट्रिकी पॉइंट दैट वी हैव टू लर्न हियर, उसको अच्छे से याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो एनफोर्समेंट की बात आ रही है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर फैसिलिटेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हियर. ओके, एंड द डे ऑन विच योर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, सिंस देन वी बिकेम अ रिपब्लिक, दैट वी विल बी लुकिंग इन टू. आगे जब प्रीएम्बल कवर अप करेंगे दोज थिंग्स विल बी कवर्ड देयर. नाउ कवरिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, लेट्स लुक इन टू सम ऑफ द अदर सेलियंट फीचर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी कुछ एक फीचर्स हैं वो भी हमें याद रखने हैं. सो वी नीड टू बी नोटिंग इट डाउन, कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स भी आप इसके अंदर देखेंगे. सो फर्स्ट वी से दैट टीयर, थ्री टीयर गवर्नमेंट इज देयर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यू हैव अ लोकल गवर्नमेंट. ओके, उन सब के लिए प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है. लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है वी हैव 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दैट फैसिलिटेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर योर लोकल बॉडीज. पंचायती राज सिस्टम आया गांव के अंदर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आया आपके अर्बन एरियाज के अंदर. क्लियर है, तो हमें पता लग गया यहां पे. देन वी हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट बॉडीज हियर. तो आपके यहां पे सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, देन यू हैव यूपीएससी. ओके, देन यू हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे आर योर इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडीज दैट आर एग्जिस्टिंग, और इनको बुल वॉक भी बोला जाता है. ओके, व्हाट डू दे डू, विसल ब्लोअर भी बोला जाता है. तो दे लुक इनटू दिस डायमेंशन कि आपके यहां पे सिस्टम अच्छे से चले, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहीं ना कहीं बनाई हुई है. This is something that you should know here. Universal adult franchise, I told you about this thing. आज की डेट में 18 plus होके आप एक वोटर बन सकते हैं. This is what we have as universal adult franchise, irrespective of your caste, gender, your choices. Okay, आप किस region से हैं, किस religion से हैं, irrespective of all those things, अगर आप 18 plus हैं और आप registered voter हैं, तो आप जाके वोट कर सकते हैं. यह था हमारा universal adult franchise का idea. अब देखिए, एक बात और एक debate start होती है यहां पे. Okay, debate was this कि universal adult franchise हमने स्टार्टिंग से ही इंट्रोड्यूस की. हमने ये नहीं किया कि इनिशियली वी वॉन्ट बी गिविंग वोटिंग राइट्स टू पुअर, वी वॉन्ट बी गिविंग वोटिंग राइट्स टू यू कैन से डाउन ट्रोडन सेक्शन, जो पढ़े लिखे नहीं है हम उनको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे. ऐसा डिस्टिंक्शन हमने नहीं किया. व्हाई आई एम सेइंग दिस,
वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स थे उन टाइम उस समय के, वो ये कहते थे कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक सेटअप कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा. दे यूज टू कंप्लेन अबाउट इट. क्यों कहते थे वो? वो कहते थे जो इंडियन वोटर होगा, इंडियन वोटर एक राइस बाउल सिंड्रोम से त्रस्त होगा कि इंडियन वोटर के लिए प्रायोरिटी क्या होगी? एक बाउल राइस. कि वो अपना वोटिंग चॉइस एक बाउल राइस के लिए भी बेच देगा. ये वेस्टर्न जो उस टाइम के एक्सपर्ट्स थे, दे यूज टू पॉइंट आउट अबाउट दिस थिंग. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट क्रिटिसिज्म, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग वी हैड क्लैरिटी इन आर माइंड कि हमने सबको ही वोटिंग राइट्स देने हैं. दिस इज वॉट इंडियन डेमोक्रेसी फैसिलिटेटेड. हमने बाकी कंट्रीज की तरह नहीं किया कि बाद में जाके धीरे धीरे वोटिंग राइट्स देंगे. नो, वी आर नॉट ऑफ दैट ओपिनियन. राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग वी फैसिलिटेटेड दिस. तो ये एक पॉइंट है जो हमें समझना है. देन देर इज सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट दैट वी हैव इन इंडिया. तो आप इंडियन सिटीजन होते हैं, उसके अलावा आप किसी स्टेट के सिटीजन नहीं हैं. यूएस में स्टेट सिटीजनशिप भी होती है. वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट सिटीजन्स की डिफरेंट डिफरेंट राइट्स हैं. इंडिया में ऐसा नहीं है. बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप इंडिया यूनाइटेड. हम यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहते हैं, डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते हैं. दैट वॉज आर गोल. दैट्स वाई वी हैड दिस अरेंजमेंट. देन देर इज दिस सेक्युलर स्टेट. द आइडिया इज दिस, योर गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एनी ऑफिशियल रिलीजन. हमारी सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. यह है एक सेक्युलर स्टेट का आइडिया. आप पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान को बोला जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. You go to Iran, Iran is also labeled as Islamic Republic of Iran. But in India, we don't have these type of distinction. ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर. So we are here with this arrangement. और आपके यहाँ पे कोई state का official religion नहीं होता है. Clear है? फिर आता है concept Indian secularism और Western secularism. That we will be covering in the coming lectures. आने वाले lectures में वो cover हो जाएगा. अब आप देखिए, देयर इज प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. दीज आर द इंस्ट्रक्शंस कि सरकार को क्या क्या करना है, क्या क्या चीज अचीव करनी है. वो इंस्ट्रक्शन आपके डीपीएसपी में दे रखी है कि मिनिमम इतना तो सरकार को करना ही करना है. वेलफेयर स्टेट तो करना ही करना है. ये तो नेगोशिएबल ही नहीं है. ये आइडिया है इसके पीछे का. फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन की क्या ड्यूटी है. ये फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन पे लागू होंगी, दूसरों पे नहीं होंगी. दिस इज द आइडिया. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स. आप क्या इस इंडियन स्टेट से क्लेम कर सकते हो? कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, कुछ बाकियों के लिए भी हैं जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं. तो हम सिर्फ इंडियन सिटीजन का ख्याल नहीं रखते, हम सबका ख्याल रखते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है? अच्छा, योर कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अब जरा देखिए, यह भी एक डिबेट निकल के आती है. तो कुछ लोग कहते हैं कि एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस. भाई हमने जो है, हमारा खुद का कुछ नहीं है, और इंडियंस ने क्या किया, बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस उस टाइम पे फंक्शनल थे उनको स्टडी किया, उधर से कॉपी करके अपना एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. ऐसे वो बोलते हैं. ठीक है, सो वी स्टडीड समवेयर अराउंड 40 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. उनको हमने स्टडी किया, इलेबोरेटली बुला देखा, समझा. जो चीज आपके लिए काम की थी वो आपने ले ली. आई वुड से इट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू. आपने वो चीजें रखी जो सबके अच्छी अच्छी चीजें थी, और बुरी चीजें नहीं रखी. सो दिस इज व्हाट वी डिड. एंड नॉट ओनली दैट, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ कन्वेंशंस भी इंडिया की डेवलप हुई हैं. तो वो हमारी इनोवेशन है, वो भी आगे आती गई. ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पे सब कुछ हमने कॉपी किया. इवन इफ कुछ किया, तो दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना, देयर इज नो हार्म इन दैट, एंड दिस इज व्हाट वी डिड. तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है जी, that was the point here. Okay, then covering this point,
लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो लोग कहते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लंबा है. ओके अच्छा लेंथीएस्ट है. व्हाई इट्स अ लेंथीएस्ट वन? क्यों है ये लेंथीएस्ट? देयर इज अ मल्टीपल रीजन फॉर दैट. लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ओके लुक एट द डाइवर्सिटी इट कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी. समाज के अंदर आप देखिए डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, उधर सब रिलीजन की सब डायमेंशन हैं. अच्छा जितने डिफरेंसेस आएंगे, जितने डाइवर्स कंपोनेंट्स आएंगे, उन सब डाइवर्स कंपोनेंट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. उन सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको एड्रेस करना है. एंड वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एड्रेसिंग ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स. उन सारी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. तो लेंथ तो बढ़ जाएगी. दिस इज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर स्टेट, सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर यूनियन, सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर एग्जीक्यूटिव, सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर जुडिशरी, सेम फॉर योर लेजिस्लेचर. ऐसा नहीं है सबके लिए अलग अलग है. नॉट ओनली दैट, देर आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, सीएजी, यूपीएससी, ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबके बारे में प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखे हैं. कहीं और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. That's why looking into these dimensions, उसकी length जो है वो बड़ी होनी ही थी, क्योंकि इंडिया की जो governance है वो बहुत complex है. और आप चाहते हो कि हर एक problem का solution आपके संविधान में मिल जाए. That was the idea of our constitution makers. इस thought process के साथ वो चल रहे थे. And that's why you can say it is the lengthiest one. So ये domain, ये idea यहां पर हमें पता लगता है. Then it is said that blend of flexibility and rigidity. Okay. So blend of flexibility and rigidity, what does it mean? Flexibility, rigidity. Okay. Most flexible British system. कुछ written है ही नहीं. नया कानून बनाओ, वो अपने आप में सब कुछ है. कुछ रिटर्न आपको लेके नहीं आना, कोई सिंगल रेफरेंस डॉक्यूमेंट ही नहीं है. किसी सिस्टम के हिसाब से आपको कानून भी ऐसा होगी चेक करना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है. नया कानून बनाओ, अपने आप में सब कुछ है. रिजिडिटी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपको अमेंडमेंट करना हो तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है. अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, इतना आसान नहीं है. 3/4 majority. इंडिया के अंदर जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम कहीं बीच में गिरेंगे. ओके हमारे यहां पे कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से भी बदले जा सकते हैं. कुछ प्रोविजंस के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके प्लस मोर देन हाफ, मतलब एब्सोल्यूट प्लस एब्सोल्यूट का अरेंजमेंट है मोर देन हाफ का. देन देयर इज अनदर थर्ड कैटेगरी जिसके अंदर रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स का भी प्रोविजन है कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर से उसे रेटिफाई भी करवाया जाएगा. दैट्स व्हाई वी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. कि जहां पर रेटिफिकेशन की बात आएगी वो इतना आसान भी नहीं होगा. स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है, वो आपसे डिसएग्री कर सकते हैं. ठीक है ना? तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर. ओके दिस इज व्हाट इट मींस. देन इट सेज दैट फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस. ओके तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग डायमेंशन है. तो ये कह रहा है कि हमारे यहां पे फेडरल सिस्टम तो है. फेडरल का मतलब है आपने पावर्स को डिवाइड किया यूनियन और स्टेट के बीच में. स्टेट्स के अपने डोमेन है, ये अपने डोमेन में काम करेगा, यूनियन अपने डोमेन में काम करेगा. ठीक है? सो यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड दोनों के सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे. ठीक, हमारे यहां पे 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का विच मेंशंस अबाउट 3 लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एंड यू हैव योर कंकरेंट लिस्ट. और उनके अंदर आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है.
कुछ ऐसे मामले जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होंगे वो आपने 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 यूनियन गवर्नमेंट को दे दिए, डिफेंस वो आपने यूनियन गवर्नमेंट को दे दिया, कुछ लोकल मुद्दे हैं वो आपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, लोकल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो कि हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अंदर वेरिएशन आएगा। अब आप देखेंगे कि भी लैंड लैंड सिस्टम, एग्रीकल्चर, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, सोयल टाइप डिफरेंट है, इसलिए आप देखेंगे उसको स्टेट सिस्टम के अंदर डाला गया, स्टेट डोमेन में डाला गया। सो यू डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स, यू डिवाइडेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आइडिया है हमारे फेडरलिज्म का। लेकिन ये कहता है कि यूनिटरी बायसनेस है, तो जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा है यूनियन लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सेंटर ने वो मैक्सिमम फंक्शंस अपने हाथ में रखे हुए हैं। दिस इज व्हाट इट मींस, दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। और भी प्रोविजन है, इमरजेंसी के टाइम पे आपका पार्लियामेंट कानून बनाएगा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। देर आर फर्दर प्रोविजन्स एज वेल, वो हम ग्रेजुअली आगे कवर अप करेंगे, ठीक है जी। देन योर डॉक्यूमेंट सेज वी हैव अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने बना दी, ठीक है। वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, ब्रिटिश सिस्टम से हम ये लेके आए हैं। हमारे यहां पे जो आपका वोटर है, वोटर ने डायरेक्टली किनको चूज करके भेजा? लेजिस्लेचर को, ठीक है। एमपीज बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसके? लोकसभा के। सरकार सीधा लोग नहीं चूज करते, सरकार सीधा पीपल, वोटर नहीं चूज करते। लेजिस्लेचर फर्दर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर चूज करता है। तो लेजिस्लेचर में से ही जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो बनाती है सरकार, और ये होता है आपका पॉलिटिकल एग्जेक्यूटिव। ये मतलब है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है यूएस के अंदर, सीधा राष्ट्रपति लोग चूज करते हैं, ठीक है। हमारे यहां पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, आइडिया भी यही था, हमारा एक्सपीरियंस था। ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी कुछ पार्लियामेंट्री फीचर्स इंडिया में लागू कर रखे थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर काम कैसे करना है उसका एक्सपीरियंस आपको पहले से ही आ चुका था। ओके, सो वी थॉट कि लेट्स कंटिन्यू विद दिस आइडिया ओनली, इसी के थ्रू जो है हम चलते हैं और सरकारें बनाते हैं आगे। अच्छा, अब देर आर मल्टीपल रीजंस कि वाई वी वेंट फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो भी हमने देखना होगा, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ओके, जो आपका एग्जीक्यूटिव है ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बना, यही लोग तो हैं जो मंत्रालय संभालते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी को संभालेंगे। ओके, ये आपके मंत्रालयों को संभालते हैं। जो आपका एग्जीक्यूटिव है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, क्योंकि उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर। दिस इज व्हाट इट मींस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हाउस ऑफ पीपल, दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये भी आपको याद रखना है। सो वी अंडरस्टूड दीज डायमेंशंस। देन देर इज द अदर वन विच टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, कि हमारे यहां पे लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी किया जा सकता है, बट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही उस पर काम करेगा। ओके, जुडिशियल सुप्रीमेसी इसलिए रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज जुडिशरी कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल एज द लॉ मेड बाय योर लेजिस्लेचर नल एंड वॉयड इफ इट इज वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर फंडामेंटल राइट्स कहीं पे वायलेट हो रहे होंगे तो जुडिशरी उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है अंडर आर्टिकल 13, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। नॉट ओनली दैट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड करना, वैल्यूज को अपहोल्ड करना, दैट टास्क हैज ऑल्सो बीन असाइंड टू द
जुडिशरी इटसेल्फ, वो काम भी उनको दिया गया है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी नोटिंग इट डाउन. ओके अच्छा, देन वी हैव इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दैट इज ऑल्सो द अदर सिस्टम ऑफ आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. और यू कैन से ये भी एक नॉट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर से, बट दिस इज अनदर फीचर ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड वी हैव द अदर कोर्ट्स हियर. ओके, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सब इंटीग्रेटेड सिस्टम में काम करते हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है, विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. तो जुडिशरी के ऊपर कोई दूसरी ऑर्गेन जो है उसको ओवर पावर नहीं कर सकती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करती है और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली जजमेंट्स देती है. और हमने देखा है जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, वो भी हम देखेंगे एनजेएसी का जब इशू डिस्कस किया जाएगा. सो दैट थिंग विल ऑल्सो बी कवर्ड देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, नाउ अदर थिंग दैट इज टू बी लुक्ड इनटू, सो वी एड्रेस्ड दीज पर्टिकुलर थिंग्स, आपको इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मिल चुका है. अब जैसा मैंने आपको ये बताया था कि हमारे यहाँ पे कुछ एक प्रोविजन जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो सब कुछ आप एक जगह से नहीं लेके आए हो, आपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, इट वॉज अ स्मार्ट वर्क टू डू. आप दूसरों की गलतियों से समझते हो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आपको फायदा होना चाहिए, एंड दिस इज वॉट वी डिड. सो हेयर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, एज दिस टेबल सेज, तो इसको हम थोड़ा यहां पे जूम कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स लुक इनटू दिस. ओके, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी गॉट इट फ्रॉम ब्रिटेन, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम देयर, रूल ऑफ लॉ वी गॉट इट फ्रॉम ब्रिटेन, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और स्पीकर का क्या क्या रोल होगा वो भी हम ब्रिटेन से लेके आते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर वी गॉट इट फ्रॉम देयर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो यहां पे ये कंसेप्ट आपके आर्टिकल 21 के अंदर आता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग जब हम फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे. तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी कहां से आया है, ब्रिटेन से आया है. उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ओके, मेनका गांधी केस के अंदर, और तब सुप्रीम कोर्ट कहता है अब हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं करेंगे, हम करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया है, ठीक है. और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, दैट्स द आइडिया ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है. सो ये आपको याद रखना है. अब देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या लेके आए, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूएस बिल ऑफ राइट्स थे, हम वही आइडिया हम यहां पे लेके आते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये हम लेके आए हैं यूएस सिस्टम से. आपको सब याद रखना होगा. आयरिश में आप देखेंगे डीपीएसपीज, वी गॉट इट. ओके, सो इतना ही था. अच्छा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज. ओके, तो वो है यहां पे कंकरेंट लिस्ट का आइडिया, ये भी आप ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए कैनेडा वालों के साथ अभी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत नाराज किया हमें, लेकिन हमने भी उनसे कुछ ना कुछ सीखा है. सो आइडिया इज दिस, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अच्छा, जहां पे सेंटर थोड़ा स्ट्रांग होता है वो कैनेडा में भी वैसा ही अरेंजमेंट है. आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, वो भी हमने कैनेडियन उससे अडॉप्ट किया है. ओके, तो रेजिडुअल पावर कौन सी है, देखिए वो सारी चीजें जो कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो तीन लिस्ट में मेंशन नहीं है, जो सारे सब्जेक्ट्स जो कहीं और मेंशन नहीं है, वो दिए हमने यूनियन को. तो इंडिया के अंदर रेजिडुअल पावर जो है वो यूनियन के पास जाती है. तो हमने देखा था फेडरल बट यूनिटरी बायस्ड, ये भी एक तरीका है उस चीज को बताने का, और हम कैनेडा से जो है ये आइडिया लेके आए थे. ओके, अच्छा, सोवियत यूनियन से क्या क्या हमने सीखा, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन. ओके, ये आइडिया हम सोवियत यूनियन से लेके आए थे. तो और भी बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने बहुत चीजें ली हैं. ओके, हम कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे, उसमें यू विल फाइंड सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हेयर. सो दिस वॉज द ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉडर आइडिया अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन.
अब हम यहां पे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. वी विल बी अटेम्प्टिंग 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, और उनको इधर समझाया जाएगा, बताया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिफोर डूइंग दैट, लेट मी, यू कैन से, लेट्स डिस्कस वन मोर स्मॉल कॉम्पोनेंट. छोटा सा बात को हम डिस्कस करते हैं. तो हमने देखा कि यूनिटरी बायसनेस है. आप यूनिटरी बायस्ड हो, आपके यहां पे फेडरल सिस्टम तो है, बट आप बोल रहे हो कि यूनियन ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, व्हाई वी नीडेड अ स्ट्रांग यूनियन, द क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट वाज द नीड ऑफ हैविंग दैट. वन ऑफ द रीजन वाज दैट इंडिया वाज जस्ट पार्टीशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अभी जस्ट हमारा पार्टीशन हुआ है, पाकिस्तान आपने खो दिया है. ओके, ऑलरेडी देर वर सक्सीडिंग, और यू कैन से मूवमेंट्स चल रहे हैं कि कैसे इंडिया से बाहर किया जाए. सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. वी वर एक्सपीरियंसिंग दोज आइडियाज. सो दैट्स व्हाई द आइडिया वाज अडॉप्टेड दैट लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग यूनियन. वहां से ये डोमेन, वहां से ये सोच निकल के आई थी, उधर से हमने इसको अडॉप्ट किया था. ठीक है, नॉट ओनली दैट, अब हम चाहते थे कि डेवलपमेंट किया जाए. डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, और स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे. तो नो रिसोर्सेज विद द स्टेट्स. आप ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी कि आप स्टेट्स को उनके हाल पे छोड़ दें. यूनिफॉर्म डेवलपमेंट इंडिया में फैसिलिटेट करना था. टू फैसिलिटेट दैट वी थॉट ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग यूनियन. वहां से आया ये स्ट्रॉन्ग यूनियन अडॉप्ट करने का आइडिया. ये था बेसिक थॉट प्रोसेस, और यही हमें यहां पर याद रखना है. ठीक है जी, सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो द अदर फर्दर कॉम्पोनेंट्स दैट आर टू बी कवर्ड, प्रीएम्बल एंड फ्यू मोर थिंग्स आर देयर, दैट वी विल बी लुकिंग इनटू इन द कमिंग लेक्चर. कल के लेक्चर में जो है उन सब चीजों को एड्रेस किया जाएगा. ओके, सो अभी जो है हम कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अडेप्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या आप आंसर उनको कर पाते हैं. सो जस्ट गिव मी अ मिनट हियर. सो वी हैव दिस पर्टिकुलर टेस्ट दैट आर देयर. ओके, तो इट्स अ वंडरफुल वे टू प्रिपेयर. काफी अच्छे तरीके से आप इसे कर सकते हैं. रेगुलरली टेस्ट जो है यहाँ पे पोर्टल में अपलोड होते हैं, आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आर ऑल्सो रियली गुड. यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ देम. सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग हियर. तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टेस्ट. ओके, लेट्स सी. So the first question that we have in front of you, which one of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution? Ki majorly kyon aap samvidhan banate hain, kya zarurat pad gayi aapko samvidhan banane ki? Okay, so we covered the idea of constitutionalism. तो मेजर रीजन तो यही है कि एब्सोल्यूट पावर ना हो किसी के हाथ में, बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट हूसोएवर इज देयर इन पावर वो किसी और के राइट्स को कर्टेल ना करे. दैट्स द मेजर गोल. दिस इज समथिंग दैट वी हैव इन आवर माइंड, एंड दिस इज व्हाट दिस आंसर इज डिमांडिंग. तो आप देख सकते हैं, अच्छा, इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉ. यहां पे पूछा गया है चीफ पर्पस क्या है. पर्पस तो ये भी हो सकता है, लेकिन चीफ पर्पस में आपको इन सब में से जो बेस्ट आंसर है उसको चूज करना होगा. सो यू कैन अटेम्प्ट इट. आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट कीजिए, एंड वी विल वेट फॉर योर आंसर्स टू कम. सो अंशिका इज आंसरिंग हियर, एंड शी सेइंग सी इज द आंसर. ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग, चीफ पर्पस. यहां पे This will be our choice, okay? लेकिन अगर मैं देखूं चीफ पर्पस से, अगर मैं चीफ हटा देता हूं तो बाकी चीजें भी तो हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन चीफ पर्पस जो है वो ये होगा. तो सपोज करो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाते हैं और यूपीएससी ये क्वेश्चन बनाता है और यहां कहता है कि पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ हटा दिया गया, चार स्टेटमेंट एज इट इज आई, और उसके अंदर चीफ हटने के बाद अब आपका आंसर क्या होगा. और नीचे उसने लिखा है कि 3 are correct, 4 are correct, 2 are correct, 1 is correct, जैसे यूपीएससी आजकल ऑप्शन बनाता है. तो आपको समझना होगा यहां पे जो की एंगल है वो चीफ वर्ड में है.
जैसे ही वो हटेगा चीजें बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी. दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. सो मूविंग इन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इट से विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेजिडेंट. ओके, क्या प्रेजिडेंट ऑर्डर के थ्रू ही वो आप एरिया बना सकते हैं. सेकेंड इट सेज दैट द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस. ओके, सो दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू इट व्हेन वी विल बी डूइंग फॉर गोइंग फॉर आर शेड्यूल्स वाला कंपोनेंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल. वी विल बी डूइंग इट इन एन इलेबोरेटिव वे. वो आप कल के लेक्चर में देखेंगे, पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा. बट आई विल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू यू दैट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जाते हैं द लार्जेस्ट इज द डिस्ट्रिक्ट वन, और जो उससे नीचे रहता है लोवेस्ट में क्लस्टर ऑफ विलेज दैट इज ब्लॉक. खुद विलेज ना होके विलेज से ऊपर कोई एक क्लस्टर को ले दें, ब्लॉक को एक लिया जाता है यूनिट. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी नोइंग. ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. ठीक है जी. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स. अब सीएम को नहीं देनी एनुअल रिपोर्ट, गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो डालेंगे एक एनुअल रिपोर्ट, वो बताएंगे कि कैसे जो है गवर्नेंस चल रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. जो जो कमियां हैं उनको ठीक करने का भी काम उन्हीं का ही होगा. दिस इज द आइडिया. ओके, सो विल गो विथ दिस पर्टिकुलर लॉजिक एंड दिस विल बी आर चॉइस. सो ये हम चूज करेंगे, आगे जाएंगे. अच्छा, ये सेव भी करना है. ओके, तो सेकेंड वी हैव सेव्ड, देन विल मूव टू द थर्ड वन. थर्ड वन में ये कह रहा है कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश. ब्रिटिशर से हमारा मॉडल डिफरेंट कैसे है? हमने चीज तो वही उठाई है. अच्छा, तो वो कह रहा है एज रिगार्ड टू लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. क्या हमारे यहां पे पावर जो है लेजिस्लेचर की वो लिमिटेड है? जी हां, लिमिटेड है. और वो लिमिट किसने एस्टेब्लिश की है? द लिमिट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ब्रिटेन के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए उधर का पार्लियामेंट सुप्रीम माना जाता है. वो जिस चीज को चाहे कानून बना सकता है और वही सबसे ऊपर होगा. बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है. हमारा पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा दैट हैज टू बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, तभी वो आगे सस्टेन करेगा. अदरवाइज जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी. दिस इज व्हाट द पॉइंट इज अबाउट. ओके, तो हमारे यहां पे पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, ये पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है. दूसरी स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दे आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ही भेजा जाता है. अब ये एक सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क भी है. आपको मुझे ये बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर. कि सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, ये आप मुझे बताएंगे. तो जो लोग अभी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए. ओके, बाकी लोग ये आपके लिए होमवर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ जजेस आपको चाहिए होंगे. वो आइडिया, वो डोमेन हमें समझनी है यहां पर. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. ये कह रहे हैं कि इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी दे आर रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. तो दोनों स्टेटमेंट हमारी जो है ये सही हो जाती हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड के ऊपर. ये कह रहे हैं कि नाइन्थ शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. तो नाइन्थ शेड्यूल के क्या प्रोविजन है ये हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, लेकिन ये नेहरू जी के टाइम पे ही हुआ था. इट वॉज रिलेटेड टू द नेहरूज आइडिया ओनली. ओके, सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन हियर. कल थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिलेगी इसके ऊपर जब हम अच्छे से उस पर्टिकुलर रिविजन कार्ड को कवर अप करेंगे. अच्छा, क्योंकि वो चीज बीच में रह जाती है, डिसरप्ट हो जाती है. वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. दैट्स वाई कल के लेक्चर में यू विल हैव द बेटर क्लैरिटी हियर. तो आगे देखेंगे.
ये कह रहे हैं कि देर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज हमारे यहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है, क्यों बोला जाता है कि हमारे यहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो यूपीएससी देखो बड़े स्मार्टली आपके यहां पे ऑप्शन बनाता है, वो चाहता है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें। एंड यहां पे फर्स्ट ऑप्शन एज यू सी ये कह रहे हैं कि लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। क्या ये ट्रू सेंस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम बोलते हैं? हमने अभी इस लेक्चर के अंदर कवर अप किया है एंड द आइडिया वी सेड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। दिस इज वॉट द आइडिया इज अबाउट। ये है मेजर एस्पेक्ट आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के होने का। दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर हियर। क्लियर है जी? ठीक है, हो जाएगा ये ओके। अच्छा, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम सेव एंड नेक्स्ट ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द सेकंड शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू अमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ वेरियस अथॉरिटीज। थर्ड शेड्यूल ये कह रहा है कि बताइए ये एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा से रिलेटेड करता है, और फोर्थ शेड्यूल कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड इंफॉर्मेशन के साथ ये डील करता है। तो मैं डायरेक्टली आपको एक काम करता हूं, इस पर्टिकुलर रिविजन कार्ड पे ही ले जाता हूं, ठीक है? तो अगर आप इस रिविजन कार्ड को देख लेंगे शेड्यूल वाले का जो कि हमने आपके कल के लेक्चर के लिए प्लान किया हुआ है, सो कल ही अगर आप अभी इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आप बोल सकते हैं, ठीक है? ये आसान कैटेगरी में आ रहा है क्वेश्चन, और काफी कंपोनेंट्स जो हैं वो मतलब रिवीजन कार्ड के थ्रू ही आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं, तो उसमें कुछ खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इट कैन बी इजीली डन थ्रू दिस पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड इटसेल्फ ओके। सो आई विल ब्रिंग दैट रिवीजन कार्ड, देयर आर मल्टीपल रिवीजन कार्ड्स दैट वी हैव ब्रॉट फॉर यू, और काफी इंफॉर्मेटिव है ये, आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करने वाले हैं ये ओके। सो वी हैव दिस शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। पहली बात, एक निमोनिक भी यहां पे ऐड किया गया है, द आइडिया इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके, बूढ़े प्रधानमंत्री की आंसू। तो कैसे है, टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी एंड स्टेट्स, पहला शेड्यूल नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज को डील करता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स को डील करता है। ई टॉक्स अबाउट टीयर्स की बात हो रही है, टीई टॉक्स अबाउट इमोल्यूमेंट्स। सो सेकंड टॉक्स अबाउट प्रोविजंस रिलेटेड टू अलाउंसेस प्रिविलेजेस इमोल्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो चेयरमैन है डेप्यूटी चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जजेस, सीएजी, इन सब के मॉल्यूमेंट से रिलेटेड प्रोविजन सेकंड शेड्यूल में डाले गए हैं। तो डायरेक्टली आप उठाइए तो सेकंड शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू अमोल्यूमेंट्स ऑफ वेरियस अथॉरिटीज, इट अपीयर्स टू बी राइट, ये सही नजर आ रहा है। फिर हम दोबारा इसको खोलेंगे ओके, और थर्ड पे जाएंगे। थर्ड कह रहा है कि इट कंटेन्स द ओथ्स एंड इंफॉर्मेशन, जो शपथ ग्रहण का सिस्टम होता है वो जानकारी आपको थर्ड से पता लगती है। तो डायरेक्टली आप इस पे जाइए और यहां पे अगर हम देखेंगे थर्ड में कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, जबकि अगर आप फोर्थ देखेंगे इट रिलेट्स टू एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर यूटीज एंड स्टेट्स इन राज्यसभा। दिस इज व्हाट फोर्थ शेड्यूल मेंशंस। तो वो उल्टा पुल्टा दे रखा है, इजिली डूएबल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब सेकंड और थर्ड हो गए गलत और फर्स्ट हो गया सही, ओनली वन विल बी योर चॉइस एंड दिस इज व्हाट विल मूव नेक्स्ट। अब देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीजों को अडॉप्ट किया है ओके, और वही सवाल मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ गया। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या ब्रिटेन से आपने लिया था? नाउ वी गॉट दिस ऑफिस ऑफ गवर्नर आइडिया, ये कैनेडा से आप लेके आए हो। कैनेडियन सिस्टम के अंदर यह दे रखा है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर होंगे और गवर्नर साहब को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ओके, ये आइडिया वहां से आता है। दूसरी चीज, ब्रिटेन, ब्रिटेन तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो तो फेडरल है ही नहीं, ठीक है ना? तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया गलत। दूसरा कह रहा है प्रेरोगेटिव रिट्स,
अब रिट्स जो है ये हमने यूके से अडॉप्ट किया था, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं आया। हम ये कहते जरूर हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट मींस मेजरली रिफ्लेक्टिंग आइडियाज दैट आर देयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बोलते हैं ऐसा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। लेकिन जो आपके यहां पे प्रेरोगेटिव रिट्स का प्रोविजन है, वी गॉट इट फ्रॉम यूके, यूके से हमने ये अडॉप्ट किया है। देन वी हैव प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो मैंने आपको बताया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वी गॉट इट फ्रॉम यूके, ये ब्रिटेन से हम लेके आए हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यूएस का आइडिया है, तो डिफरेंस हो गया दोनों में। ओके, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये लिखा है जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी वहां से नहीं आया है। ओके, एंड द राइट आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी द डी ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द पेयर्स, कोई भी ऑप्शन जो है वो सही करेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज वॉट द चॉइस इज गोइंग टू बी। ओके, आगे बढ़िए आप। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर, मेन कानून के सोर्सेज क्या क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेच्यूट्स एंड कस्टमरी लॉ, दीज थ्री ऑल आर द यू कैन से सोर्सेज ऑफ लॉ। तो तीनों के तीनों ही कानून के हमारे यहां पर सोर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ आता है, लेजिस्लेशन कानून बनाते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री लॉ भी है हमारे यहां पे। ओके, कस्टम्स भी चलते हैं, कस्टमरी लॉज भी डाले जाते हैं, वो भी एज इट इज है। ठीक है, खासकर हमारे पर्सनल लॉ की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉज आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग। ओके, सो ये तीनों के तीनों ये अरेंजमेंट में आ जाते हैं। देन वील मूव नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो मोंटेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ये कह रहा है कि इट अबॉलिश्ड डायरकिन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। ओके, दरअसल उल्टे का अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं था कुछ। इट इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बायकैमरलिज्म आया था और डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री के अंदर फर्स्ट टाइम आए थे, डिक्लेयर करने की बात की गई थी। ओके, प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले भी आ चुका था, ये फर्स्ट टाइम वाला तो यहां नहीं था, तब तक तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आ चुके थे। थर्ड स्टेटमेंट तो नहीं बनने वाली बात। ओके, तो आप थर्ड को हटा दें, अब आइदर ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट, वट विल बी द राइट वन, क्या होगा सही। ओके, ये थोड़ा हमें याद रखना है, हम दोबारा चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इट अबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेज एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये वाला प्रोविजन तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, हमने देखा है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रोविजन है। सो यू कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट वन, सो बी ओनली विल बी आर चॉइस। ओके, ये हमारी चॉइस होगी यहां पे। सो आगे बढ़ते हैं, टेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर। ओके, तो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, क्या है जो बेस्ट डिफाइन करता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन को। तो ये कह रहा है कि वेन अ वर्ड्स ऑफ अ स्टेच्यूटरी प्रोविजन बियर मोर देन वन मीनिंग, देर इज अ डाउट एज टू विच मीनिंग शुड बी प्रिवेलिंग, their interpretation should be in a way that each has a separate effect and neither is redundant or nullified. This is what the idea of harmonious construction is there. ये है आपके harmonious construction का main idea. So this is what we have and this is what is going to be our choice. तो हम इसको save कर देंगे. Okay. This is what your solution is about. तो ये था आपका, क्या मिस हो गया हमसे, तो we have to avoid that type of mistakes. कुछ लगता है system के अंदर कुछ punch नहीं हुआ है, but nevertheless, so tomorrow again we will be back, we will be continuing this particular revision card. We will be starting with preamble, looking into different dimensions, objectives that are mentioned in your preamble, nature of Indian state and other further dimensions and debates that we will be addressing in tomorrow's lecture. So this is what we have for today. Thank you very much.